हम रोहतांग पास की ओर निकल रहे हैं। कल से मौसम बहुत खराब है, रात को से पानी बरस रहा है, अभी सुबह भी पानी बरस रहा था, अभी थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन हम निकल रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र राणा सर। जितेंद्र राणा जी, और ये सब पीछे बैठे हुए हैं। शायद हम सफल हो पाए। सफल होंगे। रोहतांग पास के लिए तो रास्ता बंद है, लेकिन उससे 10 किलोमीटर दूर मढ़ी तक हमारी गाड़ी जाएगी। हम बर्फ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते का आखिरी विलेज है कोठी। क्या नाम है? कोठी। कोठी 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 जी। अच्छा, कोठी तक हम पहले भी एक बार आ चुके हैं, ये लास्ट विलेज है। हम 1996 में केवल कोठी तक पहुंच पाए थे, आगे नहीं जा पाए थे, और उसमें रास्ते पूरे टूटे हुए थे, कच्चे थे। अभी तो रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा खुला ले लीजिएगा, और कई बार इनके पॉकेट्स फटे होते हैं, तो अपना सामान डालने से पहले चेक कर लीजिएगा ताकि गिर ना जाए। अगर मोबाइल गिर गया तो आपका पूरा टूर खराब हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि जो आप गाड़ी में छोड़ेंगे वो सेफ है, उतरते हुए जो सामान आप कैरी करेंगे वो ध्यान से कोई मिस ना हो। अभी इतने टूरिस्ट आते हैं, कौन कैसा है किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो किसी को मिल गया आपका मोबाइल तो मिलने के चांसेस कम रह सकते हैं। तो पहले ही ध्यान से जो लेना है वो थोड़ा खुला ले लीजिएगा ताकि कंफर्टेबल रहे, ठीक है सर? बाकी इतना ही, इसके बाद मूव करेंगे। ये हम ड्रेस शॉप में खड़े हैं, और ड्रेस शॉप ये यहाँ से ड्रेस पहनना है अपने को। ये सब हमारी टीम वहाँ ड्रेस पहन रही है, सब लोग ड्रेस पहनने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैडम ने ड्रेस पहन लिया है, और ये बाकी लोग भी ड्रेस पहन रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? राला वाटरफॉल। देखिए ये राला वाटरफॉल, ये ऊपर से आ रही है, नीचे गिर रही है, ये राला वाटरफॉल है। और ये सामने देखिए, बहुत ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है सर, उसका पाइप ऊपर लगा हुआ है। कहाँ पर? ये घर सा बना हुआ। हाँ, एक घर बना हुआ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये, उसका पानी गिर रहा है। और ये देखिए खूबसूरत नजारा, ये एक घर बना हुआ है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अब जगह जगह पे झरना नजर आ रहे हैं, और ये जो सफेद सफेद है, ये बर्फ की चट्टान, ये बर्फ है, बर्फ है, बर्फ
बर्फ है। पहली बार हम लोगों को एकदम सामने से बर्फ देखने का मौका मिल रहा है इस रास्ते में। ये देखिए खूबसूरत नजारे, ये देखिए ये पूरे बर्फ की चट्टान है, ये पूरा बर्फ का चट्टान। ये देखिए ये पानी ऊपर धार से गिर रही है, देखिए ये गिर रही है। ये सामने देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। करने वाले थे लेकिन शुक्र है भगवान का कि हम लोग आज पहुंचे हैं यहाँ, और अभी हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे, बर्फ में देखेंगे और बर्फ में घूमेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रस है चारों तरफ। आप लोग उधर जाइए, नहीं तो उधर से आप लोग अब हम लोग यहाँ उतर जाए। ये कौन सा जगह है? यहाँ को प्यास ना लगे, इसको ब्यास नाला बोलते हैं, और ब्यास नाला के आगे गाड़ियां नहीं जाएंगी। नहीं गाड़ियां तो जाएगी, कहाँ तक जाएंगी? ऊपर ढाबे देगा। अच्छा, अगर आपको कुछ खा के आना है तो आप? नहीं नहीं, हम लोग को अभी कुछ नहीं खाना है, मतलब मेन पॉइंट यही है। अगर आपको एंजॉय करना है तो यहाँ पे उतर सकते हैं। एंजॉय करना है तो यहाँ उतर सकते हैं, और यदि नाश्ता पानी करना है तो ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए तो 15 दिन के आप, ये सामने एक झील है, ये घोड़े जा रहे हैं साथ में, और ये पूरा एरिया है। ये देखिए